नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मंत्री समूह गठित किए गए हैं उसमें से हम लोगों को सौभाग्य मिला कि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लखनऊ मंडल की माननीय कपिल देव अग्रवाल जी और वेंकटेश्वर शरण सिंह जी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आज लखनऊ जनपद की सभी विभिन्न विकास की और कानून व्यवस्था की तमाम योजनाओं का यहाँ पे चर्चा भी हुई है और गहन इस पे चर्चा करने के बाद निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि एक एक योजना बिंदुवार लेके उसकी प्रगति, उसकी अनियमितताएँ और जनता के लिए कैसे और सुविधाएं लाई जाएं, इस पे चर्चा की गई है। लक्ष्य यही है कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले। जो हमारी पार्टी और सरकार का संकल्प था चुनाव से पहले, वो एक एक बिंदु पे हम लोग खरा उतरें और लखनऊ खास प्राथमिकता रखता ही है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की, ट्रैफिक संबंधी कानून व्यवस्था, तमाम विभिन्न योजनाएं जो आम जनजीवन जिससे प्रभावित होता है उसको प्राथमिकता पे लेके हम लोगों ने यहाँ काफ़ी चर्चा अधिकारियों के साथ की है और जो लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने जो सुझाव और शिकायतें रखी थी उसका भी यहाँ पर निस्तारण के लिए निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्य किया जाएगा। कोई भी किसी तरीके की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो योजनाएं हैं और जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण होना ही है और इसके प्रति हम सभी लोग और पूरी सरकार प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।